बिजनौर में पैसा दुगना करने के नाम पर तो कभी बिना ब्याज के लोन दिलवाने के नाम पर ठगी का सिलसिला चलता रहता है। लोग हर बार बेवकूफ़ बनते हैं और हर बार इन फर्जी कंपनियों की मीठी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इनको दे बैठते हैं और फिर इनके ऑफिसों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है बिजनौर में, जहाँ पर वीके गार्डन के पास चक्कर रोड पर कुछ लोगों ने किराए का घर लेकर संजीवनी माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन के नाम से एक ब्रांच खोली, जो लोगों को लोन दिलवाने की बात करती थी। लोन के साथ साथ इस कंपनी ने इंश्योरेंस का काम भी चला रखा था और लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर उनको संजीवनी दे गई। कल जब लोग इसके कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लगा देखकर उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया तो उन्होंने 10 मिनट में आने की बात कही, लेकिन देर रात तक भी वहाँ कोई नहीं पहुँचा। कहाँ के रहने वाले हो? सलीमपुर का घर। क्या घटना हुई आपके साथ? ये घटना ये हुई कि ये जो कंपनी वाले थे, ये संजीवनी फाइनेंस वाले, उन्होंने 1 लाख का लोन देने के लिए हमसे पति पत्नी से बोला कि 3 हज़ार पैसे जमा करो हमारे पास। तो हमने सबने करीबन हमारे गांव में 18 लोग थे, उन्होंने जिन्होंने पैसे जमा करा, जिससे कम से कम हमने 60,000 रुपये जमा करे टोटल। अब वो पैसा जमा करते ही हमसे बोल रहे हो कि हम इस पैसे को बीमा तुम्हारा जमा करके और तुम्हारे कल खाते में पैसे आ जाएंगे, और उसके बाद में ये लोग फिर यहाँ कहीं लौट पाया नहीं। हम रात 9 बजे अपने घर गए। आपने पैसा कब दिया था इनको? हमने पैसा कल दिया है। तो आपको कैसे पता चला कि ये मतलब यहाँ से चले गए हैं? ये जब पैसा लेकर हमने बोला, हम 15-20 मिनट में आ रहे हैं, 15-20 मिनट तो हमें जब ये नहीं आए तो तब हमें कॉल करी है ना, हाँ अभी आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी दूसरे जगह बीमा कर रहे हैं, ऐसे झांसा देखकर हम यहाँ रात 7-8 बजे तक अपना बैठे रहे। उसके बाद लगभग इसमें कितने लोगों का पैसा गया हुआ है? इसमें कम से कम 100-110 आदमी का पैसा गया हुआ है। जगह जगह से जहाँ इन्होंने सेंटर खोलने के सब में सब जगह से पैसे जमा हो गए, कुछ रह भी गए जो यहाँ से वापसी गए थे कल जी। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं, हम तो गरीब आदमी सब, अपने किसी ने अपनी चीज़ रखकर, किसी ने कर्ज पर रखकर, किसी ने पैसा करके, किसी ने रिश्तेदार से लेकर अपना पैसा दिया था, तो हम तो ये चाह रहे हैं साहब ये लोग पकड़े जाएं, हमारा पैसा मिले ना मिले बाकी ये लोग पकड़े जाएं। तो आपने इस मामले में थाने में तहरीर की है? हाँ जी, थाने में तो अभी तहरीर नहीं की, बाकी थाने में भी जाएंगे ना।